देशद्रोह करके या देश विरोधी बातें करके या देश में जो सरकार है उसके विरोध में इतना अपशब्द बोल के आप कभी जीत नहीं पाओगे। मोदी जी को पूरा देश प्यार कर रहा, अगर आप उनको गाली दे रहे हो तो आप मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हो, आप पूरे देशवासियों का अपमान कर रहे हो जो मोदी जी को प्यार कर रहा है, और मोदी जी के प्यार में पूरा देश डूबा हुआ है, उनके उनकी सत्यता में देश डूबा हुआ है। उस वक्त अगर किसी ने उन पर लाछन लगाया वो सबसे बड़ा देश विरोधी देश मानेगा। और उसकी हार कन्हैया कुमार को दिखी और एक बहुत बहुत बुरी हार हुई उनकी, और सत्य की जीत हुई है। टुकड़े टुकड़े देश विरोधी बातें करके आप देश नहीं जीत सकते हो। अब सांसद में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, देश बहुत क्लियरली बोल देता, बाहुबली माफिया ये सब लोगों की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी अमेठी हार गया कि अब ये जो मीटिंग होगी उनकी पार्टी की मीटिंग होगी उसमें ये तय होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या उस पद से इस्तीफा दे देंगे हार की जिम्मेदारी लेकर के। वैसे कर लेना चाहिए हार की जिम्मेदारी लेकर उनको पद से, जो भी देखिए जब यही शत्रु भैया की जो एक लाइन थी कि जब ताली भी नेता को तो गाली भी नेता को, तो वही बात है कि अब आप हार हैं तो आपको त्यागना होगा अपने पद को, क्योंकि अगर आप हारते हैं तो आपको समाज के सामने आना होगा और बोलना होगा कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं अब इस पद पे रहने का अधिकार मुझे नहीं है जहाँ पर मैं अपनी पार्टी को जिता भी नहीं सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे गोरखपुर की जनता को, पूज्य महाराज जी को जिन्होंने कृष्ण के रूप में पूरी रणनीति को बनाया, मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को कि जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे चुनाव की देश की रचना रची, और हम मैं स्वयं इसमें एक अर्जुन की भूमिका में रहा, और मैं उनके भरोसे पे तीनों के, मोदी जी, अमित भाई शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूज्य महाराज योगी जी के विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश की और आज मैं सफल हुआ। अब मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं उनके विश्वास को मैं उनके सम्मान में कहीं दाग लगने नहीं दिया कि लोग बोले अरे कैसा कैंडिडेट ले आया। मैंने पूरी मेहनत की और पूरे गोरखपुर ने हमको जम के साथ दिया, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी बिरादरी ने दिया। और आज से 2019 से ये बात मोदी जी ने तय कर दी कि इस देश में आज के बाद जात पात की राजनीति ध्वस्त हो गई, उनका नाश हो गया, नष्ट हो गए। जात पात की राजनीति की अब कोई जगह नहीं है, विकास सत्य की राजनीति की ही जगह है, राष्ट्रहित देश प्रेम में जो भी व्यक्ति रहेगा, देश को सुरक्षित जो रखेगा उसी की जीत होगी। और मोदी जी एक यशस्वी मसीहा के रूप में पूरे देश में आए हैं। मैं भी उस महायज्ञ में एक छोटी सी मेरी भी आहुति रही, मैं इसके लिए मैं आप तीनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री जी आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी आपको, पूज्य महाराज योगी जी को, मेरे पूरे संगठन को, सारे कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ लगे रहे, डटे रहे, जान से जान लगाई।